द स्कूल ऑफ म्यूजिक में आपका पुनः स्वागत है। इस बार हम सरोद के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं कि सरोद के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, जो उनको क्या बोलते हैं और सरोद कैसे बजाते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। तो आइए मेरे साथ बताते हैं। सबसे पहले आप सरोद देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर वाद्य यंत्र है, और इसमें आप देखते हैं कि ये बहुत सिमिलर गिटार से भी सिमिलरिटी करता है, और विश्व के कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो सरोद के बहुत करीबी इंस्ट्रूमेंट है। ओरिजिन तो सरोद का आप रबाब से मान सकते हैं, दो अफगान इंस्ट्रूमेंट है रबाब, और एंशियंट इंडियन टाइम्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है चित्रवीणा, उसको भी सरोद का उसकी तरह सरोद दिखता था, उसको भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को, सरोद के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है खूंटी, इसको इंग्लिश में पेग बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे आप गिटार में या किसी अन्य वाद्य यंत्रों में स्वरों को ट्यून करते हैं, सरोद को स्वरों को मिलाते हैं, जिससे एक खूबसूरत सा साउंड प्रोड्यूस होता है और सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसको इस पार्ट से इसको ट्यून करके जो आपको स्वर चाहिए उस स्वर में इसको ट्यून करते हैं। वैसे तो सरोद सा प सा म में ट्यून होता है, लेकिन कभी कभी कुछ जगह पे कुछ हम लोग हल्का सा चेंजेस करते हैं। तो ये खूंटी पार्ट हो गया, और उसके बाद आप पढ़ेंगे तो इसको डाढ़ा कहते हैं, ये सरोद के इस पार्ट को डाढ़े कहते हैं, जिसको आप नेक भी ये बोल सकते हैं, इस पार्ट को डाढ़े। ये इसी पे सरोद का मुख्य भाग है, जो पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद सरोद के इस पार्ट को ब्रिज बोलते हैं, छोटा ब्रिज है ये। इस ब्रिज पे तार घनन भी बोलते हैं। इस पे क्या होता है, तार इसके ऊपर से जाते हैं और एक साउंड बैलेंसिंग के लिए, चूंकि अगर ये न रहे तो सरोद का तार बॉडी से टच होगा और आवाज़ इसका जो सुंदर साउंड आता है वो नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको एक्स्ट्रा लगाया जाता है। और इसी तरह ये, अब आप आगे बढ़ेंगे तो ये ड्रोन साउंड होते हैं, ये हमारे चार खूंटियों पे ये स्ट्रिंग्स पे ड्रोन साउंड होते हैं, जो जब आप बजाते हैं तो बीच बीच में इसका प्रयोग करते हैं, और ये वाइब्रेशन के साउंड्स को पैदा करता है, रेजोनेंस पैदा इससे होते हैं, तो जो आप बजाते हैं उसमें और सुंदर आवाज प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं एक बहुत चमकीला सा वो है, जिसपे इसको फ्रेट बोलते हैं, और हमारे स्टील प्लेट इसको बोलते हैं। चूंकि आप सरोद देखते हैं कि सरोद में कोई फ्रेट नहीं है, तो जब आप तार प्रेस करते हैं, स्ट्रिंग्स प्रेस करते हैं, तो इसी पे स्लाइड करके, जैसे तो ये स्ट्रिंग, जब ये प्लेट से टच होता है तब साउंड इसका
प्रोड्यूस होता है और साउंड हमें जो हम चाहते हैं वो साउंड हमें प्राप्त होते हैं, वो मिलते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं इस पार्ट को, आप देख सकते हैं कई कीज हैं, कई पेग हैं, इसको हम तरप का खूटी बोलते हैं। तरप क्या होता है, इसमें 15 खूटी हैं जो तरप के हैं, जिसमें क्या होता है 15 आप डिफरेंट नोट्स में इसको ट्यून कर सकते हैं, जैसे सारे गामा पधा निशा के कई अलग अलग उसमें ट्यून कर सकते हैं, तो जिस हिसाब से जो राग या कोई गाना या जो आप बजाना चाहते हैं उसको इस तरप के हिसाब से ट्यून करेंगे। और जो साउंड है वो आपको एक वाइब्रेशन, एक रेजोनेंस देगा, जैसे और मेलोडियस साउंड्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये पार्ट, ये सरोद का सबसे मुख्य पार्ट है, इसको चमड़ा बोलते हैं। यही जगह से जब आप हीट करते हैं, जब आप स्ट्रोक करते हैं, तो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है और माइक्स वगैरह से खींचते हुए या बिना माइक के आप देख सकते हैं। तो इसको चमड़ा, ये गोट स्किन का बनता है, जैसे तबले या विश्व के कई इंस्ट्रूमेंट्सों में आप देखेंगे जो घन वाद्य होते हैं उसमें ये रहते हैं औनद्य वाद्य में, तो ये ऐसे इसे आप स्ट्रोक करेंगे तो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज और है, जो ये मुख्य ब्रिज है जिसी के ऊपर से तार स्ट्रिंग्स जाते हैं और इसके बैलेंसिंग को करके हम लोग जैसा साउंड आगे पीछे करके या ऊपर नीचे करके साउंड्स की बैलेंसिंग करते हैं कि हमें कैसा साउंड चाहिए। और उसके पीछे ये लंगोट होता है जिसमें ये तार बंधे होते हैं। खैर ये तो बहुत अभी आगे का है, ये लंगोट के पार्ट्स होते हैं, इसको लंगोट बोल देते हैं। इसमें तार बंधे होते हैं, तार को इसको टाइट करके आप सरोद बजा सकते हैं। और सबसे मेन बॉक्स होता है ये, जैसे गिटार में पीक होता है, हमारे सरोद में ये जवा बोलते हैं, स्ट्राइकर जवा बोलते हैं, ये कोकोनट के सेल से बना होता है, तो उसको एक काट कर उसका एक डिज़ाइन देके हम इसको कोकोनट के उससे बनाते हैं और बजाते समय धीरे धीरे दारा दारा इस सबके साउंड निकाल सकते हैं। जैसे